बीजेपी सरकार ने पकौड़े बेचना आज की युवा के लिए एक रोजगार बताया है, ये बात कहाँ तक और कितनी हद तक सही है ये हम लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या वो अब आकर पकौड़े बेचेंगे? जहाँ तक देखा जा रहा है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है हमारे देश में, इतनी जल्दी अब जॉब्स नहीं मिल पा रही है लोगों को, तो क्या उन्हें पकोड़े ही बेचना चाहिए? तो चलिए और बातचीत करते हैं लोगों से। आपका नाम? आई एम वैभव जैन। ये बताइए, बीजेपी सरकार ने जो बोला है कि पकोड़े बेचना ही रोजगार है, ये कहाँ तक सही है? ये एक्चुअल में अगर कोई बंदा इतने अच्छे कॉलेजेस वगैरह से एजुकेशन ले रहा है तो पकोड़े बेचने तक वो सीमित क्यों है? वो उसके उसके नॉलेज में परफेक्शन ही नहीं आएगा, इससे वो एजुकेटेड ही नहीं होगा। फिर एजुकेशन का फायदा क्या हो? सबसे बड़ी जाते हो उसके घर वालों ने उस पर इतना पैसा लगाया और लास्ट में जाके वो पकौड़े की ढकेल लगा लेगा, फायदा क्या होगा? ये रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक फैमिली की भी, एक बंदे की खुद की भी। और एक सबसे बड़ी बात, तो अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर या किसी और फील्ड में नहीं जाएगा, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, तो या फिर एक्टिंग सिंगिंग कुछ भी व्हाटएवर, तो उससे वो अपने कंट्री को आगे कैसे ले जाएगा? सबसे बड़ी बात तो मैं तो ये मानता हूँ। तो एक पकौड़े से वो अपने कितने लोगों को जानेंगे, उसको उसकी फैमिली वाले जानेंगे अगर पकौड़े? तो आज के यूथ को ऐसे बोलना क्या सही है? नो, बिल्कुल पकौड़े वाले बिल्कुल। कुछ सरकार को बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं बस ये बोलना चाहूँगा, ये जो उन्होंने बोला था कि यूथ को पकौड़े बेचने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसके फिर पूरे बचपन से लेकर आगे तक की उस एजुकेशन का फायदा ही क्या होगा? पकौड़े लगाने तो अनएजुकेटेड पर्सन भी लगा सकता है। आपका नाम? नैमिश वर्मा। क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी है तो पकौड़े बेचना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं है कि बेरोजगारी, तो इसके लिए जॉब होनी चाहिए। ये पकौड़े बेचना कोई प्रोफेशन तो है नहीं, मतलब ये तो नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, जो अनएजुकेटेड है ये भी कर सकता है। तो ये पकौड़े बेचना कहाँ तक सही है? मतलब बीजेपी सरकार ने जैसा कहा है कि आज की जो युवा है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में कहीं कहीं, तो ऐसे कहना सही है? नहीं, ये तो कहना गलत होगा एक तरीके से, क्योंकि ये बेरोज़गारी हटाने का ये कोई परमानेंट तरीका तो है नहीं। उसके लिए लोगों को जॉब देनी चाहिए और वैकेंसीज़ आनी चाहिए, जैसे यूपी में चल रहा है इन दिनों, तो वो नहीं होना चाहिए ये सब। आपका नाम? निकुंज जैन। आपको क्या लगता है, पकौड़े बेचना ही रोज़गार है? पकौड़े बेचना रोज़गार नहीं। आपने देखा कि सरकार बोल रही है, बीजेपी सरकार और अमित शाह ने भी कहा है कि अगर कुछ काम नहीं है तो पकौड़े बेचो और रोज़गार अपनाओ, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे जो बजट आया है वो केवल फार्मर्स वगैरह के लिए आया है। अब वो लोग कहते हैं कि पकौड़े बेचो, रोज़गार जमाओ, तो उसमें उनको टैक्स तो भरना नहीं पड़ेगा। सारी मतलब पॉलिसी वगैरह सब है, सारा सब काम होना चाहिए, ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपका नाम? महीप। आपको क्या लगता है, ये जो सरकार लेकर आई है कि आज की यूथ को पकौड़े बेचकर ही अपना रोज़गार लाना चाहिए, ये सही है? कुछ हद तक सही है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि हर बेरोज़गार अब पकौड़ा ही बेचने लगे। मतलब अगर किसी को करना तो कर सकता, क्योंकि दुकान वाले भी तो चला ही रहे हैं अपना। तो पढ़े लिखे लोगों को भी यही करना चाहिए? अब देखिए, ये तो सरकार की गलती है कि क्या लगता है आज के वक्त में क्या यहाँ पे जॉब्स हैं हमारे देश में? बहुत कम है। तो फिर क्या पकौड़े ही बेचना एक रास्ता है? हमारा जो सरकार है वो कुछ कर नहीं सकती लोगों के लिए? अब ये तो सरकार ही बता सकते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कुछ चेंज लाए, और क्या बोल सकते? किस तरह का चेंज चाहते? कुछ चेंज इन द सेंस, जैसे जॉब्स आए, काफ़ी प्रॉमिस किए गए थे इलेक्शन से पहले कि जॉब्स आएंगे, वो अभी तक आए नहीं हैं। मतलब तो बीजेपी की सरकार को रहना चाहिए या फिर अलग सरकार आनी चाहिए? ये तो सरकार में चेंज का तो ज़रूरत है, अगर बीजेपी रहता तो वो लोग को भी अपना मेथड चेंज करने का ज़रूरत है। आपका नाम? रत्नेश कुमार। नीतीश जी, आपको क्या लगता है, ये बीजेपी की सरकार ने जो बोला है पकौड़े बेचना आज की यूथ के लिए, ये सही है? ये आज के यूथ के लिए इसलिए बोला क्योंकि बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं, थोड़ा खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब पढ़े लिखे हैं उनके लिए, तो पढ़े लिखे उनके लिए उनको जॉब खाली नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है, तो इसमें पकौड़े बेचने का काम करना चाहिए उनको? नहीं करना चाहिए उन्हें कोई बिजनेस खोलना चाहिए, आज के जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उन्हें। सरकार ने तो ये बोला है ना कि ये पकौड़े बेचने का काम कर सकते हैं, यही रोजगार है। यार ये तो उन्होंने जो बोला है वो उनकी सोच है, पर जो मेरी सोच है वो मैं इतना बोलूंगा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने सही बोला है कहीं ना कहीं सही नहीं बोला है, पर ये है कि अगर उन्हें ये चीज़ बोलने से पहले ना ये कुछ ना कुछ खोलना चाहिए, जो कि पढ़े लिखे इंसान ना वो रोजगार कर चुके, वो काम कर चुके हैं कि पकौड़े ना बेकें, तो उन्होंने ये दिखाया कि पढ़े लिखे इंसान पकौड़े बेक रहे हैं, पर उन्हें ये सोचना चाहिए कि पकौड़े क्यों बेक रहे हैं। आपका नाम?
शिवम। क्या करते हो? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अगर आज के ज़माने में अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप क्या पकौड़े बेचेंगे? हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि पैशन होना चाहिए। पैशन है अगर तो नौकरी मिल जाएगी, मतलब नौकरी ना भी मिले तो ठीक है, चलता है। तो अगर नहीं मिलती है तो आप पकौड़े बेचेंगे? हाँ, बेच लूँगा, मतलब अगर मुझे अगर मैं डिटरमिंड हूँ किसी चीज़ के लिए तो मैं पकौड़े बेचने में कोई शर्म वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन पढ़े लिखे होकर पकौड़े बेचना ये कहाँ तक सही है? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? देखो, पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज गेन करनी है। आप KFC जानते होंगे, तो KFC जिस बंदे का था, कॉलोनल सैंडर्स, उस बंदे ने 60 साल की उम्र में, वो बंदा ग्रेजुएट था हार्वर्ड से, और बंदे ने 60 साल की उम्र में फ्राइड चिकन बेचना चालू किया था, और आज KFC इतना बड़ा ब्रांड है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना विलिंग हो, कितने डिटरमिंड हो। जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र, आपको क्या लगता है ये जो बेरोजगारी हमारे देश में है क्यों हो रही है? बेरोजगारी इस वजह से हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कॉलेज में ही है, जैसे कि टीचर्स को जॉब वैकेंसी खाली है लेकिन परमानेंट नहीं कर रहे हैं, तो हर आए दिन स्ट्राइक ब्रेक होती है। ये जैसे कि जॉब्स नहीं है तो ये रास्ता क्या मिलना चाहिए इंसान को? फिर पकौड़े बेचना चाहिए ना? ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप पकौड़े बेचो, लेकिन हाँ, कोई भी काम छोटा नहीं है, करना कर सकते हैं। तो पकौड़े क्यों? अगर इंसान कोई पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वहीं जाके वो पकौड़े बेचेगा, क्या यही एक कामयाबी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। किसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए? तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि जो मतलब अगर रोज़गार नहीं है, अगर कोई बेरोज़गार है तो पकौड़े बेचकर रोज़गार बने, ये क्या तरीका होता है? ये सही नहीं है कि पकौड़े बेचकर ही करे, जो जिसके लिए उसने एजुकेशन लिया है उसको उस फील्ड में काम मिले, सबसे अच्छा तो उसके लिए ही है। तो ये सरकार कर क्या रही है आखिर? मतलब ये देश में और इंसान पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वहीं फिर जॉब्स नहीं है, तो कुछ कहना चाहते हैं? यही है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए कि जिस फील्ड के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं उस जगह की फील्ड में आगे रहे कि हाँ है वहाँ पे वैकेंसीज, इसलिए ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। पकौड़े बेचना गलत नहीं है, लेकिन वहीं अगर आज के ज़माने में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो वहीं देश हमारा पीछे क्यों जा रहा है? वहीं देश हमारे देश में जॉब्स नहीं है, क्यों नहीं है? लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके लिए कोर्स कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, तो वहीं अगर वो लोग ये सब कुछ करने के बावजूद कोई अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पाएंगे तो क्या सिर्फ पकौड़े ही बेचेंगे? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और सरकार के इस बात का असर कितना पड़ने वाला है तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सदफ खान, कैमरा पर्सन शिवा के साथ, RI24 न्यूज़, दिल्ली।